हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाल वर्ल्ड कैंप प्ले सीरीज़। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाल वर्ल्ड में हमें जो भी कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है गोल्ड कॉइन्स की। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं यहाँ पर गोल्ड कॉइन का फार्म, जिसमें हमें अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन्स जो है वो फ्री में मिलेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो गोल्ड कॉइन्स लेने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है, चेस्ट जो ढूंढना पड़ता है, और यहाँ पे भी बेस जिस जगह पर है मेरी उस सामने कुछ नीचे एक दो चेस्ट मिल जाती हैं, में से थोड़ा सा कॉइन्स मिल जाते हैं गोइन के। लेकिन हम यहाँ पे एक फार्म बनाने वाले हैं जिसमें अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन्स हमें मिल सकें, वो भी बगैर कोई चेस्ट ढूंढे बगैर। और एक पाल है यहाँ पे जो हमें अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन्स जो है दे सकता है, तो हम उसको जो है ब्रीड करने वाले हैं आज। तो उसके लिए सबसे पहले आपका लेवल 19 होना चाहिए, आपका ये ब्रीडिंग फार्म जो है अनलॉक हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपको चाहिए कुकिंग पॉट केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं केक्स लगा देता हूँ, देखते हैं कितने बना सकते हैं हम। 24 बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं। मुझे 10 चाहिए वो पास ताकि मैं जल्दी से कॉइन्स जो है वो बना सकूं। और यहाँ पे हमने बेस पे एक छोड़ देना है फेलेरिस, यह फेलेरिस। इससे पहले हमने यहाँ पे एक अनलिमिटेड जो है हनी का जो फार्म बनाया था, जिसमें से हमने बहुत सारे केक्स बनाए और भी ब्रीडिंग यहाँ पे की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केक जो है वो लगा दिए। ओके, यहाँ पे फेलेरिस हमारा जो है वो केक बनाना शुरू कर दिया फेलेरिस ने। ये खाना बहुत खा रहा है तो मैं इसको ओके, जब तक केक बनते हैं मैं यहाँ पे दो अपने पाल छोड़ देता हूँ जो कि मुझे चाहिए। एक चाहिए मुझे चिकी पी और दूसरी चाहिए लैम्प बॉल। तो इन दोनों को मैं उठा के यहाँ से सबसे पहले मैं एक लैम्प बॉल को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यह मेल लैम्प बॉल। फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं एक चिकी पी। तो एक मेल लैम्प बॉल एक फीमेल चिकी पी हमने छोड़ दिया और रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हमें चाहिए एक माऊ माऊ वाला पाल जो कि एक कैट की फॉर्म में होता है, वो हमें अनलिमिटेड गोल्ड देता है। तो यहाँ पे हम 10 जो है माऊ छोड़ देंगे और हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड मिल जाएगा अपने बेस पर ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केक बनने का इंतज़ार करते हैं, बहुत फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 10 एग्स जो है कम्प्लीट हो चुके हैं हमारे। एग्स को जो है जल्दी से उठा लेते हैं और यहाँ पे जाके इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। ये हमारा माऊ जो है इसमें से निकल चुका है, न्यू पाल कैप्चर्ड। ओके, मैं इसी तरह सारे एग्स जो है वो निकाल देता हूँ एक एक करके। ओके, तो इसी के साथ ही 10 एग्स जो है वो हो चुके हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं सारे जो है अपने पाल्स यहाँ पे गिरा देता हूँ जो मेरे पास 10 माऊ आ चुके हैं। ये कितने, ये 7, 8, 9 और ये 10, ये टोटल 10। इनको बेस पे छोड़ देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल देते हैं। ये बूशी हमारे पास आया हुआ सरपेंट को भी निकाल दे। ये सारे अब मैं बेस पे छोड़ देता हूँ 10 के 10। ओके, ये 13 हम छोड़ सकते हैं, 10 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। अब देखते हैं ये किस तरह के पाल हैं। कुछ ये डार्क टाइप के हैं, ये रात को भी काम करते हैं और ये बहुत सारे कॉइन्स जो है ड्रॉप करते हैं इनको अगर बेस पे छोड़ दिया जाए तो। इनको बेस पे छोड़ देते हैं, ये घूम रहे हैं कुछ दो बार, तो कुछ ने ये आइटम ड्रॉप करना भी शुरू कर दिए। तो ये देख सकते हैं आप 10-10 कॉइन्स जो है ड्रॉप कर रहे हैं, तो 10-10 कम है, लेकिन इनको मेरे ख्याल से लेवल अप करेंगे तो ये ज़्यादा जो है देंगे। तो इनको अगर मैं कंप्रेस कर दूँ आपस में, यहाँ पे मैं मेरा कंप्रेसर अनलॉक हो चुका है टेक्नोलॉजी के अंदर, जाके यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं काम की वो अनलॉक कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये पाल एसेंस कंडेंसर, हम बहुत सारे पाल्स को जो है वो एक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी पावर जो है एक में चली जाएगी। ओके, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे हिप लैंटर्न जो है अनलॉक कर लेते हैं, और एक ये गन ये भी काफ़ी यूज़फुल है, ये एक गन बना भी लेते हैं। इसके लिए हमें 10 पेल्डियम की ज़रूरत है, बाकी सब है हमारे पास। तो यहाँ से 10 पेल्डियम लेके आते हैं। ये है ग्रैपलिंग गन, तो एक बना लेते हैं। अनूबिस को छोड़ देते हैं, जल्दी बना देगा, मैं भी इसकी हेल्प कर देता हूँ। अब इसको इन्वेंट्री में से ले के देखते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। ओके, हम इससे ऐसे कहीं पे भी पहाड़ पे चढ़ सकते हैं के ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। कुछ यहाँ पे भी कॉइन्स जो है वो ड्रॉप कर रही हैं, तो यहीं से उठा लेते हैं। देखते हैं कितने कॉइन्स आ चुके हैं, 100 कॉइन्स आए हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी कंडेंसर बनाएंगे उसमें डालेंगे इनको तो शायद इनकी पावर बढ़ जाएगी। 120 यहाँ से मिल गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर इनसे हमें कॉइन्स चाहिए तो। ओके, तो ये हमारा अनलिमिटेड जो है वो फार्म बन चुका है कॉइन्स का। तो यहाँ पे भी मैंने एक ये लगाया हुआ है, तो यहाँ से भी मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है। तो 10-10 की
एक पोटली मिलती है, तो यहाँ से मुझे बहुत सारी पोल्ट्रियाँ मिली हैं। यहाँ पे 250 के करीब हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर हुई है। तो जितनी ज़्यादा देर हम इनको छोड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है वो कॉइन जो है हमारे पास आएंगे, उतना ज़्यादा हम चीज़ें जो है वो जाके फिर सेटलमेंट टावर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो है, ये अभी मैं यहाँ से उठा के उस तरफ गया था तो ये पीछे से और भी पोटलियाँ आ चुकी हैं। कुछ इस तरह की पोटलियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं 10-10 की फॉर्म में यहाँ से गिरती हैं। 290 हो गए हैं ऑलमोस्ट 300, तो ये एनिमेशन भी है इनके अंदर। तो इस तरह से कुछ ये पोटलियाँ जो है वो गिराती हैं, इनके अंदर से निकलती हैं। अभी मेरे पास 300 हो चुके हैं। तो ये देखो, ये इस तरह से बिल्लियाँ अपने अंदर से ऐसे पोटलियाँ बाहर निकलती हैं, उनमें से बहुत सारा गोल्ड निकलता है। 330-320 हो गए। ऐसे ही हम बहुत सारा गोल्ड कॉइन जो है वो इकट्ठे करके बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।